11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, वो भी लखपति क्लब में शामिल हो गई है। लखपति दीदी मतलब कम से कम 1 लाख रुपया साल में आती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभारी हूँ, ने बड़ी सेवा किया है। जो संगठन खड़ा किया वो अद्भुत है, आजीविका मिशन का ये संगठन की ताकत है। मध्य प्रदेश में हम एक कार्यक्रम करते थे जब मैं मुख्यमंत्री था, तो हर कार्यक्रम का शुभारंभ करते थे हम बेटियों की पूजा करके। मैं उनके पैर धोता था, तिलक लगाता था, आरती उतारता था। वो केवल कर्मकांड नहीं था, समाज को एक मैसेज था कि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है, एक मैसेज होता था वो। मेरी बहनों और मित्रों को कह रहा हूं मैं, भारत की कल्पना नारी के बारे में बिल्कुल अलग है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हजारों साल पहले हमने कहा है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हमने इस रूप में महिलाओं को देखा है। नारी तू नारायणी, और हमारी बहनों ने यह सिद्ध कर दिया। आजीविका मिशन ने, मैं ग्रामीण विकास विभाग को बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, जो संगठन खड़ा किया वो अद्भुत है आजीविका मिशन का। 10 करोड़ दीदियां आज जुड़ी हुई है, 92 लाख स्व सहायता समूह आपने बनाए, 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहनों में अनंत क्षमताएं हैं, ताकत है, शक्ति है। सवाल है ठीक दिशा देने का। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभारी हूं, ने बड़ी सेवा किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अभियान प्रारंभ करके, और जो उनका संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, वो अद्भुत है सच में। और इसलिए हमको, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, नारी अवला नहीं है, सबला है। देखिए, अर्थ एक ताकत है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, रोजगार चाहिए, आजीविका चाहिए। इसलिए आजीविका मिशन ने जो काम किया वो अद्भुत किया है। आज 1 करोड़ लखपति दीदी, अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं 25 जुलाई को जलगांव महाराष्ट्र के, 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, वो भी लखपति क्लब में शामिल हो गई है। लखपति दीदी मतलब कम से कम 1 लाख रुपया साल में आमदनी, अलग अलग तरह की गतिविधियों से। अब मैं आपको आजीविका मिशन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो, लीड कर रहे हो उसको। आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, पहले गांव में पूछता नहीं था कोई, अरे ये तो गरीब महिला है, और आज जब उसको काम करते हुए देखते हैं तो दीदी दीदी करके कई लोग पीछे घूमते, परिवार की हालत बदलती उसमें। और केवल इतना ही हुआ नहीं हुआ है, राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ है। ये लीड करने की क्षमता के कारण मुझे मध्यप्रदेश का पता, 17,000 चंद्रशेखर जी, 17,000 हमारी बहनें चुनाव लड़के जीत के आई, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, चुनाव जीत के आई। तो राजनीतिक सशक्तिकरण भी और शैक्षणिक सशक्तिकरण भी, तो ये संगठन की ताकत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।